सर, जिस तरीके से अभी गुमपाड़ में आदिवासियों का ये जो आंदोलन के लिए हिमांशु कुमार जी पर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया गया है, लेकिन वहीं जब माल्या जो जैसे जो घूसखोर हैं वो उनके ऊपर 2000 का जुर्माना लगता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं डरी हुई संस्थाओं से और डरी हुई सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस देश में लड़ाई कभी बंद नहीं होगी। अगर वो ये सोचते हैं कि वो इस बात के साथ, इस आदेश के साथ बोलने वालों का गला जो है दबा देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ ये भारत है और यहाँ इस देश में शहीदों ने देश के लिए लड़ते हुए जो है ना फांसी के फंदे कबूल किए हैं, अपने चार चार बच्चों को कुर्बानियाँ दी है कि ये देश बने। आज अगर किसी को गलतफहमी है कि वो हमारे भारत को कमज़ोर कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैंने एक लाइन से कहा, जब तक कोलोजियम सिस्टम खत्म नहीं होगा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन नहीं बनेगी, शोषित वर्ग को वहां जाने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक शोषित वर्ग अपने उम्मीद छोड़ दे कि वहां से उनको न्याय मिलेगा। मैं ऐसी भ्रष्ट संस्था का जो है ना उसके विरोध में हूं और मैं चाहता हूं कि वहां अवसर मिले, क्योंकि संविधान समता के अवसर की बात करता है, उससे अभी तक हमें वहां वंचित रखा गया है। सर, मेरा एक सवाल है, प्रोफेसर दिलीप मंडल के ऊपर कंटेम्प्ट की मांग की गई थी और वो फिर खारिज हो गई है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हैसियत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के चलाने की, सच्चे आदमी के नहीं चला सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे चंद्रशेखर आजाद, आप सबके लिए मंगल कामनाएं, स्वस्थ रहिए, आवाज उठा दे रही है। अभी हमारे साथ है चंद्रशेखर आजाद जी, जो अभी 2009 का गुमपाड़ का जो आदिवासियों का जिनोसाइड हुआ है, उसी के चलते यहाँ पर आज प्रेस क्लब में एक बैठक रखी गई थी और यहाँ पर मौजूद हिमांशु कुमार भी हैं, जिनके ऊपर आदिवासियों की याचिका देने पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना लगाया है और उसी पर आज यहाँ बैठक हुई थी। उसी के चलते देखते रहिए जनित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, दिल्ली।